पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा ने एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान को लेकर विवाद छेड़ दिया है। राजा ने कहा है कि अगर 2023 का एशिया कप उनसे छीन लिया जाता है तो वो 2023 वनडे वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद राजा ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि दोनों देश एक दूसरे को होस्ट करें। इस मामले में विवाद अक्टूबर में ही शुरू हो गया था। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा था कि टीम इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। शाह ने एक निष्पक्ष होस्ट की मांग भी की थी। इसके जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धमकी दी थी कि अगर ऐसा हुआ तो वो वनडे वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएंगे। 10 दिसंबर को स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट से बात करते हुए रमीज राजा ने एक बार फिर वही राग आलाप दिया। राजा ने कहा, हम वहां जाना नहीं चाहते, पर फैंस चाहते हैं कि हम इस पर रिएक्ट करें। फैंस भारत का पाकिस्तान को लेकर रवैया देख बहुत गुस्सा है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल आर्थरटन से बात करते हुए राजा ने बीसीसीआई के फैसले की निंदा की और कहा कि पीसीबी एशिया कप के लिए नए होस्ट की बात का विरोध करेगा। मुझे लगता है कि वहां सरकार की कोई पॉलिसी है, मुझे नहीं पता कि वो लोग आएंगे या नहीं। एशिया कप फैंस के लिए बहुत अजीज है, ये एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, हम इसका विरोध करेंगे। रमीज ने आगे कहा कि वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट वापस शुरू हो, पर वो बराबरी के टर्म्स पर ही होगा। उन्होंने कहा, मैंने ये पहले भी कहा है कि मैं चाहता हूँ इंडिया पाकिस्तान के बीच क्रिकेट फिर से शुरू हो। मुझे उनके फैंस बहुत पसंद हैं और वो भी हमें पसंद करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ब्रांड बन चुका है। हमारे प्लेयर्स की इंडिया में शानदार फैन फॉलोइंग है। मुझे पता है कि इंडिया में इंडियन टीम के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी टीम को देखा जाता है। वो हमारी प्रगति में दिलचस्पी लेते हैं। राजा ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि हम जाएं और खेलें, पर वो बराबरी के टर्म्स पर होगा। आप किसी एक क्रिकेट बोर्ड के आगे झुक नहीं सकते। हम इंडिया के बिना भी बहुत सालों से सर्वाइव कर रहे हैं। हमने अपनी इकोनॉमी को देखा है और हमने अच्छे से सर्वाइव किया है। एशिया कप 2 सितंबर 2023 को शुरू होना है और 17 सितंबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाना है। वहीं इंडिया में होने वाला वनडे वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में खेला जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी पुनीत ने। मैं निहारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।